हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स या सिद्धांत हैं जिनका इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में हमारा ये लेक्चर है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ते दामों पे अवेलेबल है। आपको करना क्या है, आपको कॉमर्स की पाठशाला में विजिट करना है। यहाँ आने के बाद आपको हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है और जो बेल आइकन है उसे दबा देना है, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके बाद इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आपको इग्नू बीकॉम में जाना है। उसके बाद फिर आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है, हमारे मेंबरशिप प्लान को ले लेना है। इसके बाद नीचे की तरफ आपको व्हाट्सएप का लिंक शो करेगा, जहाँ पे आपको हमें ज्वाइन कर लेना है। बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप अगर हमारे पास से नोट्स खरीदते हैं तो उस पे भी आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए, जो कि हमारा होने वाला है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, इट विल लुक बेटर। क्लैरिटी ऑफ आइडिया, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है क्लैरिटी ऑफ आइडिया की। जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो उसके बारे में आपके पास जो क्लैरिटी है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। उस आइडिया की क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए जिस चीज का आप कम्युनिकेट करने वाले हो। सो बिफोर सेंडिंग कम्युनिकेशन, बिफोर सेंडिंग द कम्युनिकेशन, द सेंडर शुड फर्स्ट क्लैरिफाई द आइडियाज इन माइंड एज टू व्हाट ही और शी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट, है ना। तो क्लैरिफाई आपके मन में होना चाहिए कि जो भी चीजें आप एक तरीके से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो किसी के साथ, वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मैं ये चीज जो है उसके साथ क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, आइडिया को शेयर करना चाह रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू टेरी द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज फर्स्ट टू फुल्ली इन्फॉर्म वन सेल्फ, है ना। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है, यू नो, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, तो वही होता है क्लैरिटी ऑफ आइडियाज। मतलब जो भी चीजें आप शेयर करने वाले हो उसके बारे में आपके पास हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए। आपको खुद उस चीज के बारे में फुल्ली इन्फॉर्म्ड होना चाहिए जो मैसेज आप किसी के साथ कन्वे करने वाले हो। सो क्लैरिटी ऑफ आइडियाज इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सेकेंड पॉइंट इज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। सो वट एवर यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन, यू विल हैव टू कम्युनिकेट इन अ लैंग्वेज दैट अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स। आपको एक ऐसे लैंग्वेज में बात करनी होगी जो सामने वाले पर्सन को समझ में आएगी, है ना। ऐसा नहीं कि आपको कोई बात मैसेज कन्वे करनी है, आप यहाँ पे अरबी में बोल रहे हो, है ना। तो सामने वाला तो अरबी जानता नहीं, उसको हिंदी समझ में आती है। आप उर्दू बात कर रहे हो, अरबी बात कर रहे हो, उनको समझ में नहीं आएगा। आप सपोज हिंदी उनको आती है, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। सो अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द कम्युनिकेशन शुड बी सीन सिंपल लैंग्वेज, जो कम्युनिकेशन है वो सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। जार्गन एंड टेक्निकल वर्ड शुड बी अवॉइडेड। तो ऐसे टेक्निकल वर्ड्स जो कि एक तरीके से थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल ही नहीं करना सबसे पहली बात। जार्गन वर्ड्स का भी इस्तेमाल जो है हमें नहीं करना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तीसरा है कंसिस्टेंसी। सो अ कंसिस्टेंसी इन द कम्युनिकेशन शुड बी मेंटेन। कम्युनिकेशन में कंसिस्टेंसी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन शुड ट्राई टू गिव टू मेनी थिंग्स एट अ टाइम। तो एक आदमी को यू नो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि वो एक टाइम पे ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी को कुछ करने के लिए बोलते हो तो वो ठीक तरीके से कर नहीं पाता। इसलिए नहीं होता हर बार कि वो जो है करना नहीं चाहता है या कर नहीं पाता, इसलिए होता है क्योंकि आपने जो करने के लिए बोला था वो कैसे करना है या आपने उसे मेंशन नहीं किया, कैसे किस तरीके से करना है या आपने उसे नहीं बताया। तो कंसिस्टेंसी के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप चीजों को यू नो अच्छे तरीके से बताओ, है ना। और कंसिस्टेंसी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्युनिकेशन में। ऐसा नहीं कि आज बात किया, कल बात नहीं किया, परसों बात किया, तरसों बात नहीं किया, फिर बीच में 6 महीने बात नहीं किया। ऐसा जो है सिस्टम फिर काम नहीं कर पाएगा, राइट। उसके बाद है एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। तो जो भी आप मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हो, बता रहे हो किसी को, उसके बारे में आपको एडिक्वेटली चीजों को बताना है। ऐसा नहीं कि आपने आधी बात बताई, आधी बात आपने नहीं बताई, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो कम्युनिकेशन शुड हैव कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। जिस भी टॉपिक के बारे में आप बात करने वाले हो, जिस भी विषय के बारे में आप बात करने वाले हो, उसकी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपको सामने वाले को तक पहुंचानी है। बिकॉज इनकम्प्लीट फैक्ट्स में क्रिएट कंफ्यूजन एंड इरिटेशन। तो आप अगर इनकम्प्लीट फैक्ट्स अगर बताओगे, पूरी जानकारी अगर आप नहीं दोगे, तो हो सकता है उसके कारण से कंफ्यूजन क्रिएट हो और साथ ही साथ इरिटेशन भी हो सकता है सामने वाले पर्सन को कि मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताई गई, राइट है। प्रॉपर टाइम,
प्रॉपर टाइम, द कम्युनिकेशन शुड रीच द रिसीवर एट प्रॉपर टाइम। जो कम्युनिकेशन है वो रिसीवर के पास सही टाइम पे पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर वो सही टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो उसका कोई रेलेवेंट नहीं होगा। कोई चीज मुझे कम्युनिकेट करनी है आज के आज, ताकि मैं जब कम्युनिकेट करूं तो सामने वाला बंदा जो है उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेगा। अगर मैं उसको आज कम्युनिकेट ना करके कल बताऊं तो क्या मेरे उस कम्युनिकेशन का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। तो प्रॉपर टाइम पे कम्युनिकेट करना चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अ लेट डिलीवरी ऑफ कम्युनिकेशन मे लूज इट्स रेलेवेंस। वही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप लेट से बताओगे तो हो सकता है कि जो उसका रेलेवेंस है, जो उसका रेलेवेंट है, वो चीज जो है खत्म हो जाए। ड्रॉ अटेंशन, द कम्युनिकेशन शुड बी सो वर्डेड दैट इट ड्रॉज अटेंशन ऑफ द रिसीवर एंड ही और शी गोज थ्रू इट विद अटेंशन। है ना, तो जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो एक तरीके से शेयर, उसमें एक तरीके का अटेंशन होना चाहिए आपके, जो भी आप चीजें शेयर कर रहे हो उसके साथ, कम्युनिकेशन के साथ। तो कुछ चीजें आपको अट्रैक्टिव बनानी पड़ेगी ताकि लोग जो है उस चीज के ऊपर अटेंशन पे करें और आपकी बातों को ठीक तरीके से सुने। तो ड्रॉ अटेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक अच्छा कम्युनिकेशन करने के लिए। सो दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल। टच ऑफ इनफॉर्मैलिटी, ऑल्दो ऑफिशियल कम्युनिकेशंस आर जनरली फॉर्मल, अ टच ऑफ इनफॉर्मैलिटी हेयर एंड देयर मे क्रिएट पॉजिटिव एनवायरनमेंट। राइट, तो अब अच्छे तरीके से आपको बात करनी है, सामने वाला कुछ अच्छे तरीके से ग्रीट करना है, तो इनफॉर्मैलिटी अगर आप मेंटेन करके रखोगे तो जो रिलेशनशिप है, जो कम्युनिकेशन है, वो और भी बेहतर तरीके से हो पाता है। ठीक है ना, मेनी प्रॉब्लम्स कैन सॉल्वड एमिकेबली थ्रू इनफॉर्मल चैनल्स। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि इनफॉर्मल चैनल्स के थ्रू ही चीजें जो है ठीक हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मली किसी को फोन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा सारी चीजें। अगर आप अच्छे तरीके से बात करोगे, टच ऑफ इनफॉर्मेलिटी उसमें रहेगी, तो बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से भी आप अपने काम को करवा सकते हो। कंसल्टेशन, नेक्स्ट पॉइंट। So if necessary, one should not hesitate to consult appropriate authority before sending the communication. तो ऐसा कहा जाता है कि अगर necessary ना हो, ठीक है ना, अगर necessary हो तो एक व्यक्ति को hesitate नहीं करना चाहिए अपनी बात को अपनी appropriate authority को बताने को लेकर के, कि वो जो है इस बात को communicate करने वाला है, किसी बात को वो send करने वाला है। तो इसके बारे में किसी भी तरह का hesitation जो है व्यक्ति के मन में नहीं होना चाहिए, है ना। Perception of future, कम्युनिकेट विद फ्यूचर इज एज वेल एज प्रेजेंट इन माइंड, है ना। तो आपको कम्युनिकेट करना है फ्यूचर, आपका जो माइंड भी, जो पीस ऑफ माइंड है, जो प्रेजेंट इन माइंड है और जो फ्यूचर इन माइंड है, उसके साथ आपको कम्युनिकेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फीडबैक, द सेंडर शुड सीक फीडबैक सो दैट फ्यूचर एक्शन कैन बी प्लान्ड। जो सेंडर है उसको फीडबैक लेना चाहिए जो रिसीवर है उससे, ताकि वो एक तरीके से फ्यूचर में अगर किसी तरह की कोई चीज करता है या कहीं पे अगर उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वो उसको वहां पे कर सके। तो एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रिंसिपल में ये सारी चीजें जो है वो आएंगी। One should conscious these 10 commandments while communicating others to be effective and successful. तो एक व्यक्ति के पास इन सारे कमांडेंट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, 10 जो कमांडेंट्स हैं या फिर कम्युनिकेटिंग है पॉइंट्स हैं, इन सबको अपने दिमाग में रखना चाहिए जब भी वो किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, टू बी इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल। अ गुड कम्युनिकेटर इज अ विनर, एक अच्छा कम्युनिकेटर जो है एक विजेता होता है। रिसीवर ओरिएंटेशन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो जो रिसीवर होगा उसका जो ओरिएंटेशन होगा वो बेसिक प्रिंसिपल होगा आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, कि वो किस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है, किस तरीके से उसको बातें जो है समझ में आई हैं। राइट, सो दीज आर द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि आई होप कि आपको काफी अच्छा लगा होगा लेक्चर। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलता है अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।